गाइज आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा का पूरा जो है ये घना जंगल है। ये मेरे पीछे आवाज़ सुन सकते हैं, एक उल्लू की आवाज़ है जो कि ये संकेत देता है कि यहाँ पर कोई जानवर है। कैसे इस परेशानी से दूर निकलना पड़ेगा, तो शायद कोई भगवान कोई हेल्प कर दे मेरी, और शायद पीछे से कोई आवाज़ आई है। गाइज यहाँ पर कुछ चीज़ है, शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ है गाइज, क्योंकि अभी यहाँ पर से कुछ झाड़ी में आवाज आई थी, कुछ दौड़ने की आवाज आई है गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश नेगी व्लॉग। और गाइस आज का जो मेरा प्लान है वो है कहीं घूमने जाने का, तो देखते हैं आप भी हमारे साथ चलिए। तो गाइस हमारा जो प्रोग्राम मोटरसाइकिल में जाने का, तो ये मेरी बाइक तैयार है, आप भी चलिए हमारे साथ आइए। सबसे पुराना अंग्रेजों के टाइम का ये जो बावन डांट है, इसमें 52 गेट बने हुए हैं ऐसे, तो बहुत प्यारी जगह है ये। ये है वन चौकी यहाँ पर, ये मछली मार रहे हो, मछली मार रहे हो क्या? पर कहीं पे शायद जो है बारिश हो चुकी है, जिसकी वजह से ये पानी आ गया है। यहाँ गाइस आप देख सकते हैं ये सारा पानी जो है इधर की तरफ ये गधेरे पे जा रहा है। देखिए आप जो है यहाँ पर कहीं पहाड़ों पे जो बारिश हुई है उसकी वजह से ये गधेरे में इधर पानी आ गया है, और पानी का मूवमेंट इधर से है, और क्योंकि ये ऊपर से पहाड़ लगता है, पहाड़ से पानी डाउन की तरफ इधर आ रहा है और फिर ये नीचे जाएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं इस पानी ने कितनी तबाही मचाई है, इधर ये पत्थर ही पत्थर और टूटा सारे पिलर तोड़ दिए हैं। गाइस जो है इधर ये पानी का अगर फोर्स बढ़ी है तो यहाँ से गाड़ियों को पार करने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं पीछे से मेरी एक कार आ रही है, ये कार जो है ये पानी का पूरा उछालेगी। ये देखिए गाइस, क्योंकि अभी हमें दूरी इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि ये हमारे ऊपर छींटे मार रही है। ये देखिएगा अभी ये पानी का, अगर ये स्रोत बढ़ गया, इधर फोर्स बढ़ गया, तो ये पानी का लेवल जो है उस वाले जो टॉप दिख रहा है वहाँ पर से रोड के उस जहाँ पर ये मैं खड़ा हूँ उससे भी ऊपर तक ये पानी का लेवल आ जाएगा, और फिर हम यहाँ से इसको आस पार नहीं कर पाएंगे। तो आगे हम चलते हैं पानी के कम होने से पहले। गाइस जो मैंने आपको फोर्स दिखाया था, ये पानी का जो लेवल है इधर यहाँ पर ये तेज़ हो रहा है, तो लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए ये पानी बिल्कुल शांत है, लेकिन वहाँ पर जाकर जो है इसका फोर्स काफ़ी तेज़ है। अब ये मालूम नहीं चल रहा है कि ये पानी यहाँ पर जितना शांत है और आगे बहुत तेज़ फोर्स है। तो चलिए हम फिलहाल जो भी है अब आगे को देखते हैं। ये देखिए गाइस जो ये मेरे पीछे ये डॉगी दिख रहा है, ये डॉग का एक काम है वो है कि यहाँ के ये जो बंदर आ रहे हैं इनको, मंकीज को, इनको ये नीचे नहीं उतरने दे रहा। मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ कि ये डॉगी जो है ये बंदरों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो बंदर जो है नीचे नहीं आ पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये पीछे, हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें आगे और भी जाना है। तो चलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो पर हमारे साथ। गाइस आप देख सकते हैं ये पानी का जो लेवल है वो बहुत ख़तरनाक है, कि उसने पानी का नदी को छोड़कर इस पोर्शन में आ गया है पानी, ये जबकि अभी ये ग्राउंड लेवल है। गाइस देखिए मेरे पीछे जो है ये पानी का लेवल देखिए आप, इतना तेज़ है क्योंकि पानी जो है पहाड़ में इतनी तेज़ बारिश हुई है, हो सकता है शायद आधे घंटे पहले यहाँ पर जो है बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जिसका जो बहाव है वो बहुत तेज़ हुआ है धरती को, और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं तेज़ पानी आ रहा है।
और अगर इसका लेवल बढ़ी है तो शायद ये जो है इन गाड़ियों को भी इधर उधर पार जाने नहीं देगा, और ये जो गांव है इसका संपर्क पूरा का पूरा इधर हल्द्वानी क्षेत्र से कट जाएगा। तो अभी देखिए ये पानी का मैं आपको बहाव दिखा सकता हूँ कि कितना तेज है इस समय। ये देखिए गाइस कितना जोर का पानी है इधर, और ये लेवल देख सकते हैं आप, उस तरफ को जो लेवल है वो भी आ रहा है पानी का। गाइस जो है इधर से हम नदी को पार करेंगे तो उससे पहले हम ये पुल के ऊपर हमें जाना है, और इसको पार करने के लिए हमको जो है बहुत टिपिकल है, क्योंकि इधर देखिए इसका फोर्स देखिए पानी का, इधर कितना जोर का फोर्स है, इधर बहुत तेज फोर्स से पानी आ रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये पानी जो है नीचे को गया, काफ़ी दूर तक जाएगा। गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो जितना भी वाला एरिया है, जो वाला का सारा जो है ये पड़ता है फतेहपुर का रेंज है, और बट आज की डेट में जो है इधर टूरिस्ट प्लेस में हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर लगभग हल्द्वानी के जितने भी लोग हैं वो इस तरफ को मूवमेंट ज़रूर करते हैं, उनकी चाहे छुट्टी हो चाहे घूमें वो ज़रूर आते हैं इस तरफ को। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बसानी की ओर को, जो कि एक तरीके का भी एक मिनी टूरिस्ट प्लेस जो है बन रहा है। और आप जो है अगर गवर्नमेंट या यहाँ की जो कुछ थोड़ी से जो यहाँ की प्रधान ग्राम सभाएँ वो थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो ये टूरिस्ट प्लेस फुली टूरिस्ट प्लेस बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है आगे, और इसमें जो है जंगल से ये पूरा टच है। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ फिर आगे को। ये देखिए ये पूरा का पूरा लोकेशन कितनी खूबसूरत है। हमको जो जाना है वो इस रोड पे जाना है, तो आप भी चलिए हमारे साथ। घना जंगल है, और इस घने जंगल में जो है अब शाम का टाइम है, इस समय पे अंधेरा पड़ने को है, तो लेकिन हम आ तो चुके हैं घूमते हुए बहुत दूर तक। और ये पेड़ देख सकते हैं आप, इनकी लंबाई सीधे कितने ऊंचे खड़े हैं सीधे, और यहाँ पर से हम जहाँ तक आ चुके हैं गाइस तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि किसी ने आगे जो है जंगल काफ़ी ख़तरनाक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये रास्ते को बैन कर रखा है कि कोई अंदर जा ना सके, क्योंकि आगे जो है जंगली जानवरों से कोई भी हमारे जो वाइल्ड एनिमल होते हैं इनसे हमें रिस्क है, इस वजह से जो है ये रास्ते को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। हम जा रहे हैं इधर जंगल की तरफ को, देखिए आप मेरे साथ बने रहिए। ये जंगल जो है ये बहुत घना है, और इसके अंदर जो है बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस जो है इससे काफ़ी 4-5 किलोमीटर और आगे जाना पड़ता है उधर को, बट हम जो हैं जंगल के अंदर आए हैं, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा रिस्की एरिया में आया हूँ दिखाने के लिए कि हमारे इधर जो सबसे नज़दीक का जो जंगल है वो यही पड़ता है। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे साथ में ये जो जंगल है बहुत ख़तरनाक है, और इसमें आप देख सकते हैं इधर ये पूरा का पूरा जो है पानी का बहाव आया हुआ है, और जिसकी वजह से जो है ये पूरा कीचड़, और लकड़ियाँ देखिए आप, ये देख सकते हैं आप जितनी भी ये सारी लकड़ियाँ पड़ी है, ये लकड़ियाँ जो है ये सब बह के आई हैं पानी के साथ में, क्योंकि इस जंगल में कहीं ना कहीं एक पानी का बहाव भी आया होगा शायद। तो और आप ये देखिए ये मेरे पीछे आवाज़ सुन सकते हैं, एक उल्लू की आवाज़ है जो कि ये संकेत देता है कि यहाँ पर कोई
जानवर हैं शायद। भाई देख सकते हैं मेरे पीछे से जो ये आवाज़ आ रही है वो शायद बहुत डेंजरस है, क्योंकि हो सकता है मेरे पीछे कोई एक ऐसा जानवर हो यहाँ पर कहीं। गाइस यहाँ पर देखिए पीछे से कोई एक आवाज़ आई है और बहुत ही रिस्की है, तो इससे पहले कि अगर कोई जानवर हम पर अटैक करे तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। गाइस चलते हैं हम अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके, मैं तो निकलूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा है मुझे। ये क्या हो गया है इसमें प्रॉब्लम, मुझे तो लग रहा है कि इसमें कुछ दिक्कत आ चुकी है। ये भी भगवान मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये, अब रात पड़ने को है और ये बाइक जो है ये स्टार्ट भी नहीं हो रही है, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया है गाइस। अब क्या करूं मैं, यहाँ पर से किसी से हेल्प भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये घना जंगल है और यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कोशिश करके देखता हूँ एक बार इसको स्टार्ट कर लेके। गाइज ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अब हम इसका एक बार चोक खींच के देख लेते हैं। नहीं हो रहा है ये तो, स्टार्ट भी नहीं हो रही है। ओह माय गॉड, अब मैं फंस गया यहाँ। मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि अब रात बढ़ रही है जिस हिसाब से, तो यहाँ पर गाइज अगर मैं इस जंगल में फंस गया तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब मुझे जो है गाइज यहाँ पर कैसे इस परेशानी से दूर निकलना पड़ेगा, मेरी मदद करे भगवान, कोई हेल्प कर दे मेरी। और शायद पीछे से कोई आवाज़ आई है गाइज, यहाँ पर कुछ चीज़ है, शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ है गाइज, क्योंकि अभी यहाँ पर से कुछ झाड़ी में आवाज़ आई थी, कुछ दौड़ने की आवाज़ आई है गाइस। गाइस फिर से कोई आवाज़ आई है और अब मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो मेरे पीछे ये पूरा पोर्शन दिख रहा है, इसी झाड़ी में से कोई चीज़ ऐसी है कि जो आवाज़ आ रही है। तो गाइस मुझे यहाँ जाना रिस्क है क्योंकि ऊपर भी कोई हलचल सी हो रही है यहाँ जंगल में। तो गाइस अभी मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक एरिया है इधर। अब मैं अगर इस जंगल के अंदर को जाता हूँ गाइस तो यहाँ पर तो मेरे लिए और ज़्यादा ख़तरा पैदा हो जाएगा। तो लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है कुछ झाड़ियों में, तो ये देखिए इस जगह पे ये जो आवाज़ आ रही है ये मेरे लिए बहुत ख़तरनाक है। तो इस आवाज़ जो ये हो सकता है कोई जंगली जानवर है जो कि यहाँ पर ये मूवमेंट कर रहा है और वो कहीं हम पर अटैक ना कर दे, तो गाइस हमको इससे पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो हम भगवान से प्रे करेंगे। गाइज ये देखिए मेरे पीछे फिर से कोई ना कोई आवाज़ तो है, इधर ही है ये आवाज़, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। और गाइज ये देखिए गाइज कुछ ना कुछ तो है इधर जो कि ये आवाज़ आ रही है बराबर। लगता है कि मुझे यहाँ से निकल लेने में ही चाहिए क्योंकि इस इतने घने जंगल में मैं वैसे ही फंस चुका हूँ। और मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखता हूँ, अगर बाइक मेरी स्टार्ट हो गई, हो सकता है इसके प्लग में प्रॉब्लम थी, तो मैं इसके प्लग को एक बार चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा ये इसका जो है प्लग, इसको मैं ठीक करके देखूँगा एक बार, अगर ये सही हो गया, इसमें कहीं कचरा होगा तो मेरी किस्मत है, मैं यहाँ से बच के निकल सकता हूँ। नहीं तो जिस हिसाब से यहाँ पे झाड़ियों की आवाज़ आ रही है ना गाइस, तो मुझे नहीं लगता है कि आज यहाँ बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज जो है यहाँ जंगली जानवर को जो ये आवाज़ें आ रही है झाड़ियों में से, हो सकता है कोई अटैक कर दे हम पे, इससे पहले हमें इसे ठीक करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। गाइस जो है इसका फाइनली हमारा जो प्लग है ये इसका हमने फिट कर दिया है, फिलहाल इसका प्लग मैंने साफ कर दिया था। तो अब इसमें एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ, अगर ये स्टार्ट हो गई तो भगवान हमारी रक्षा करे। और अब हम कोशिश करके देख लेते हैं एक बार। थैंक गॉड गाइस आज मैं बच गया और ये गाड़ी स्टार्ट हो गई मेरी, तो मुझे अब यहाँ से पहले जो है
कोई जानवर अटैक करे तो मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि बहुत रिस्की है इधर रुकना। तो गाइस जो है फाइनली अब हम वहाँ से रिस्की एरिया से निकल के जो है 5 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, जहाँ से हम अपनी जो है ये ट्रैवलिंग स्टार्ट करी थी। तो थैंक गॉड कि हम वहाँ पे हमें कोई रिस्क नहीं हुआ और ऐसे रिस्क से बच के हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आज इस ब्लॉग को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग पे। तो तब तक हमारे इस ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एंजॉय करिए।